الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الوافي بما في الصحيحين पाँचवा मक़द जरूरिया पाँचवें मकसद की दूसरी किताब व वज़ीना वो किताब जिसमें उन अहदीस का तस्करा है जिनका ताल्लुक़ लिबास और जेब वज़ीनत वगैरह से है और इस किताब में उन्नीसवां बाब आज हम शुरू करेंगे बाब खिसालुल फितरा ये बाप किसके बारे में है अमूर फितरत के बारे में अमूर फितरत से क्या मुराद है अमूर फितरत से मुराद वो अमूर हैं जिन्हें अख्तियार करना इतना ज़रूरी है गोया के वो पैदाइी हों गोया के वो जबिली हों गोया के वो पैदाइशी तरीक़े हैं पैदी सुनते हैं और दूसरा इसका मतलब ये बयान किया गया है कि फितरत के अमूर से मुराद वो अमूर हैं जिनका बिया किलाम आलाम ने अहतमाम किया है तो बरअलूर फितरत वो अमूर कहलाएँगे जिन पर इंसान पैदा हुआ जो इंसान की पैदाइश के मुताबिक हैं इंसान पैदा हुआ है तोहद के ऊपर इंसान पैदा हुआ है इस्लाम के ऊपर तो वो अमूर जो दीन और इस्लाम के आइन मुताबक़ हैं उन्हें अमूर फ़रत कहा जाता है तो उनका तस्करा होगा इस बाब में तो बाब क्या हुआ बाब बाप खिसाफ़ित्र यानी कि अमूर फ़ितरत हदीस नंबर ग्यारह सौ सतासी वन वन एट सेवन काफ़ इस अदीज़ के बयान करने पे इत्तिफाक है इमाम बुखारी का और इमाम उसम का अन अबी हुरैरा हरतल्ला समियतनबी अलैहि वसल्लम वसूल रवायत है अबू हुरैरा हुररा रजियल् त से कि मैंने सुना नबी अलैहि वसल्लम से कि आप फरमा रहे थे अलफरतम खमसुन फरत पाँच चीज़ें हैं जिनके अमूर फ़रत पाँच हैं जिनके पांच चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप इख्तियार करेंगे तो आप फितरत के ऊपर हैं नंबर एक अलतान ख़तना कराना नंबर दो अस्तहदाद ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना नंबर तीन कस्सु शारिब, मूछे काटना ऊँछे कतरवाना और नंबर चार व तकलीम तकलीमफ़ार नाखुन तराशना व नतफुल अबाद और आखिरी नंबर पे है बगलों के बाल उखेड़ना या उन्हें नोचना उसके बाद एक और हदीस जो तो इसी से मिलती जुलती है उसका मुताल कर लेते हैं और फिर इन मसाइल पे कुछ गुफ्तु कुछ करेंगे हदीस नंबर ग्यारह सौ अठासी वन वन एट एट खा इस हदीस को रवायत करने वाली इमाम कौन सी हैं इमाम बुखारी आनबिन उमर रदी अल्लाम रवायत जनाब उमर रदी अल्लाह तुम से अन रसूल सल्ल वसलमकाल के बेश रसूल सल्हुस ने फरमाया बन अल्फराती फ़ितरत में से हैं क्या फितरत में से हैं वो उमूर जिनका तस्करा नबी अली अलसना फरमाएँगे तो आप कहते हैं आप फरमा रहे हैं फित अमूर फितरत में से हैं फितरत में से हैं क्या नंबर एक हल्कुलआना ज़ेरे नाह बाल मंडवाना मूडना ज़ेरे नाह बाल मूँडना व अजफार और नाखन तराशना वक्सुशारब और मूछे काटना तो ये वो अमूर हैं जिन उमूर फितरत कहा गया है यानी कि जो इन अमूर को इख्तियार नहीं करता वो फितरत के ख़िलाफ़ है उस फितरत के ख़िलाफ़ है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है और अल्लाह ताला कर्न हकीम में फ़रमाते हैं फ़रतल फ़तना कि वो फ़रत अख्तियार करें जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है तो इन अमूर में एक अमर क्या है खतना कराना तो ये किन का होगा ये लड़कों का होगा और कई ममालिक में बच्चियों का लड़कियों का भी खतना होता है तो बहरहाल अगर उनका कर लिया जाए लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी शर्मगाह की जिल का हिस्सा ना उतारा जाए तो उम्मीद है कि उसमें भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन बुनियादी तौर पे जो ख़तना करना होता है कराना होता है वो किन का होता है लड़कों का होता है और इसके बहुत से फ़वाद हैं इन फवाद में से एक बड़ा फ़ायदा क्या है तहारत जब लड़का पेशाब करता है तो पेशाब के कतरे शर्मगा में बाकी नहीं रहते कब जब ख़ने हुए हों लेकिन जिसके ख़तने ना हुए हों तो उसकी शर्मगा के दाएं बाएं पेशाब के कतरे रह जाते हैं जो शरीयत के लिहाज से भी गैर मुनासब है और कई तरह की बीमारियों के का सबब भी बनती हैं क्योंकि पेशाब बहुत ख़तरनाक होता है इसके जरासीम बहुत ख़तरनाक होते हैं वल इसहदाद अमोल फ़ितरत में से क्या है कि नाफ बाल साफ करना और यहाँ पर लफ्ज़ क्या आपने इस्तेमाल किए हैं इस्तदाद यानि कि लोहा इस्तेमाल करना यानि कि बाल साफ़ किए जाएंगे किसे लोहे के ज़रिए उस सरहे के ज़रिए अब सवाल पैदा होगा कि क्या किसी और तरीके से ये बाल साफ़ किए जा सकते हैं तो गुजारिश यह है किए जा सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है और यहीं पे ये भी बताना चाहूँगा कि औरतों के बारे में हमारे मुआरे में ये मशहूर है कि वो अपने बाल साफ़ करेंगी किसके ज़रिए पाउडर वग़ैरह के ज़रिए किसी करीम के ज़रिए और अगर उन्हें ये मसला बताया जाए कि आप उतरे के ज़रिए साफ़ कर सकती हैं तो हैरान हो जाती हैं जबकि नबी अलीसम ने लोहे का लफ्ज इस्तेमाल किया है और ये आपके हुक्म मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने मर्दों को कहा हो कि वो लोहे के ज़रिए बाल साफ़ करें औरतों और और से कहा हो पाउडर के ज़रिए या करीम के ज़रिए तो दोनों के लिए लफ्त एक इस्तेमाल हुआ है। वो क्या लोहा इस्तेमाल करना उसरा इस्तेमाल करना लेकिन अगर किसी और तरीके से ये बाल साफ़ कर लिए जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं।, नहीं है उसके बाद क्या कसु शारब मुँहे काटना तो शरीयत मुझे काटने की तरगीब देती है और अगर मुँझे मूँड ली जाएं, तो उस बारे में भी रिवायात मिलती हैं लेकिन इन दोनों कामों में से कौन सा काम बेहतर है मुँह मूँड लेना या काटना तो मुँझे काटना जो है ये बेहतर है बल्कि इमाम मालिक उन लोगों पे शरीद नाराज हुआ करते थे जो अपनी मूछे मूड लिया करते थे खुद नबी अलीलाम ने एक बार अपने एक साहबी की मूछे बनाई तो आपने काटी थी मूडी नहीं थी उसके बाद क्या और मूछे इतनी ना बढ़ जाएं कि मूछों के, के बाल उस बर्तन में दाखिल हो रहे हों जिससे आप पानी पी रहे हैं शरीयत तो ये नहीं चाहती कि वो बर्तन जिससे आप पानी पी रहे हैं उसमें आप फूकें उसमें आप सांस लें और लोग उनकी इतनी बड़ी मूछें होती हैं कि वो मूछों के बाल गिलास में दाखिल हो रहे होते हैं बर्तन में दाखिल हो रहे होते हैं ये सब गैर मुनासिब है उसके बाद तकलीमफ़ार नाखन तराशना यहाँ पर भी अफसोस होता है उन पर जो लंबे-लंबे नाखन रख लेती हैं खसूस लड़कियाँ और ये अजीब फैशन है जो शरीयत के भी खिलाफ़ है और अक़ल के भी खिलाफ़ है इतने लंबे नाखन रखने का क्या फ़ायदा जिनकी वजह से आपके नाखनों में गंदगी रह जाए मैल कुचैर रह जाए जो दूसरी बीमारियों का सबब बने उसके बाद क्या नतफुल आबाद बगलों के बाल उखेड़ना लफा आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया नतफ उखेड़ना नोचना तो बगलों के बाल नोच लिए जाएँ उखेड़ लिए जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है लेकिन अगर कोई मूड लेता है तो इन इससे भी शरीयत का मंशा पूरा हो जाएगा यानी कि अगर कोई उसरे के ज़रिए मूड लेता है या किसी करीम या पाउडर के ज़रिए साफ़ कर लेता है तो इनशाला इसमें भी कोई हर्ज नहीं है अगरचे आप आलोनाम इस जल्फ इस्तेमाल किया वो क्या है नोचने का कि बगलों के बाल नोचना बगलों के बाल उखेड़ना तो जो आपने कहा है वो ज़्यादा बेहतर है उसमें ज़्यादा ख़ैर है लेकिन उसका मुतबाद इस्तेमाल कर लेना तो इनशाला उसमें भी कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे एक और मसला कि जब नाखून काटे जाएंगे तो उसकी तरतीब क्या होगी कई दफ़ा अजीब पोस्टें भेजी जाती हैं जिनमें लिखा होता है कि पहले ये उंगली फिर वो उंगली फिर वो उंगली तो अजीब तरीके बयान किए गए होते हैं तो क्या ये तरीक़े साबित हैं क्या इनका सबूत शरीयत से मिलता है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इमाम नबी राहुल्ला जो बहुत बड़े मुहदस हैं बहुत बड़े फ़कीर हैं वो मुस्लिम शरीफ की शरह में लिखते हैं कि जब आप नाखून काटेंगे तो दाएँ हाथ की ए, उस उंगली से आगाज़ करें जिसे क्या कहते हैं गुश्ते शहादत शहादत वाली उंगली यानी कि इससे आप आगाज़ करेंगे नाखून काटने का फिर उसके बाद कहते हैं दरमियान वाली उंगली उसके बाद जो उसके साथ उंगली है ये वाली फिर सबसे छोटी तो इस अंदाज से वो कहते हैं कि आप ये बाल जो और फिर अंगूठा रह जाएगा आखिर में अंगूठा तो इस अंदाज से नाखून काटे जाएंगे फिर आप बाएं हाथ की तरफ मुंतकिल होंगे लेकिन हाफत इबिन हज़र फतुल फ़तुलबारी में इमाम नववी का ये तरीका जिक्र करने के बाद कहते हैं लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है इमाम नववी ने और दीगर कई के नाम ने यह तरीका ज़िक्र किया बल्कि इसको मुस्तक करार दिया इनके अफजल करार दिया लेकिन इसकी कोई दलील नहीं।, नहीं है और इमाम इबन दईद बहुत बड़े मुहद हैं वो कहते हैं ये सारी की सारी बातें बग़ैर किसी दलील की हैं और ऐसे ही कुछ के नाम कहते हैं कि ये नाखन कब काटे जाएँ जुमरत के दिन काटे जाएँ तो इसकी भी कोई दलील नहीं, नहीं है ऐसे ही कई आ, के नाम कहते हैं कि नाखन कार्किन को बकायदा दफन किया जाए तो इसकी भी कोई दलील नहीं, नहीं है उसके बाद हदीस नंबर ग्यारह सौ उनम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमामे मुस्लिम عن انس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونطف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من 40 ليله جناب انس بن مالك कहते हैं कि हमारे लिए मुकरर किया गया हमारे लिए तहदीद की गई क्या तहदीद की गई वो बाद में बताया गया है लेकिन तहदीद किस मामले में की गई तो न मालिक कहते हैं हमारे लिए तहदीद की गई मूछे काटने के सिलसिले में और नाखन तराशने के सिलसिले में बगलों के बाल नोचने के सिलसिले में और नाफ बाल मूड़ने के सिलसिले में हमारे लिए तहदीद की गई कि हम चालीस रातों से ज़्यादा न रहने दें यानी कि आखिरी हद मूछे काटने की नाखन तराशने की बगलों के बाल साफ़ करने की और जेरे नाफ बाल मोड़ने की क्या है चालीस दिन बेहतर क्या है आप हर हफ़्ते के बाद ये काम करें खूस जुमा का दिन तहालत का दिन है बाकीदगी का दिन है और नबी अलीसम की हदीस से भी महसूस होता है क्योंकि आप एक हदीस में फ़रमाते हैं कि जो जुम्मे के दिन गुसल करे और अच्छी तरह तहारत करे और फिर खुशबू वगैरह इस्तेमाल करे और फिर मस्जिद के लिए निकल जाए मस्जिद में पहुंच के दो लोगों के दरमियान जुदाई ना डाले तफरीक न डाले और फिर जो उसके नसीब में नमाज़ लिखी है उसकी तकदीर में नमाज़ लिखी है वो अदा करे जब इमाम पहुंच जाए तो ये खामोशी से खुतबा सुने ये सारा अमल कर लिया जाए तो इस अमल से एक जुमा से दूसरे जुम्मे के मावन जुगना होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं माफ हो जाते हैं तो यहाँ पे आपने कहा जो जुमा के दिन गुसल करे और अच्छी तरह तहारत करे तो अच्छी तरह तहारत से क्या मुराद है कुछ उलमाए क़राम कहते हैं इससे मुराद ये है कि गुसल जब करे तो अच्छी तरह करें तवज्जो से करे और दूसरे उलमाए क़राम कहते हैं नहीं आपने कहा जो गुसल करे और दूसरे नंबर पर अच्छी तरह तहारत का बंदोबस्त करे यानी कि अपनी बगलों के बाल साफ करे जेर नाफ बाल मूंद ले नाखन तराश ले, मूछे अपनी तराश ले, इन उमूर का अहतमाम करें तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हर जुमे ये काम कर लेना चाहिए लेकिन अगर कोई नहीं कर सका तो आखिरी लिमिट क्या है चालीस दिन इसका मतलब ये चालीस दिनों के बाद आप शरीयत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं नबी अलीसातना तो की तलीमत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और इस वजह से गुना मिलने का ख़तरा है अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये जो लफ्ज़ आपने बोला है जेर नाफ़ बालों के बारे में हल क़ुल आना कि आना के बालों को मूड लेना लफ्ज़ क्या बोला अरबी में आना हम उर्दू में बतौर शर्मो हया लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर लेते हैं ज़ेर नाफ़ अब ज़ेर नाफ़ ये तो बहुत खुली जगह है तो क्या ये सारे बाल मोड़ने जरूरी हैं ये सवाल पैदा होता है तो यहां पे मैं इमाम नबी राहुल्ला की गुफ्तू आपके सामने रखना चाहूंगा वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो जुल्फ इस्तेमाल किया आना इससे मुराद क्या है कहते हैं इससे मुराद मर्द की शर्मगा पे उगे हुए बाल और शर्मगा के इर्द गिर्द के बाल और फिर कहते हैं इसी तरह औरत की शर्मगा और शर्मगा के इर्द गिर्द के बाल तो ये वो बाल हैं जो मोड़ना ज़रूरी हैं बाकी अगर कोई नाफ के नीचे से शुरू हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन बुनियादी तौर पे शरीयत की तरफ से जो बाल मोड़ना ज़रूरी है, वो शर्मगा के ऊपर और उसके दाएँ बाएँ जो मुतसिल हैं जो उसके बाएँ दाएँ बाएँ क्या हैं मुतसिल हैं जुड़े हुए हैं तो ये बाल जो हैं ये मोड़ना ज़रूरी हैं उसके बाद बाब नंबर बीस ये बाब क्या वसल वसलशार क्या माना है इसका बाब वसल शार बालों के साथ बाल जोड़ लेना वसल उशार बालों को जोड़ना इनके बालों के साथ बालों को जोड़ लेना इजाफ़ी बाल साथ लगा लेना हदीस नंबर यहाँ पे है ग्यारह सौ काफ वन वन नाइन जीरो काफ। इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन असमा अबिन तबी बकर रदी अल्लात रवायत है जनाब असमा सदा असमा بنت ابو बकर रदी अल्लाह तुमा से अल्लास्मा से विरादी हों कि ये सहाबियाँ हैं और इनके वालद अबू बकर से भी रादी हों कि जो सहबा कराम के इमाम हैं अफजल तरीन सहबी हैं क़ालत वो कहती हैं कौन सद आसमा कि सालती मुरात नबी सल वसलम फ़ालत एक औरत ने नबी अली सात अलीस्म से सवाल किया चुनाचे उसने कहा इनके सवाल में उसने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल इन नबनती असाबत हल हसबा मेरी बेटी उसे हसबा बीमारी लग गई हसबा बीमारी किसको कहते हैं खसरे को हसबा बीमारी किसको कहते हैं खसरे को जिसका हिफाती टीका भी लगाया जाता है बच्चों को जो बचपन में इंजेक्शन लगाए जाते हैं हफासी इंजेक्शन ताकि वो बीमारियों से मफूद रहें तो उसमें से एक, एक खसरे का भी होता है तो कह रही है ये ख़ातून कि मेरी बेटी जो है उसे हसबा की बीमारी लग गई है हसबा की बीमारी में मुबला हो गई है फमर का तो उसके बाल जड़ गए हैं गिर गए हैं वह इन्नी इज़ब्वज तुहा और मैंने उसकी शादी कर दी है शादी से क्या मुराद है बुखारी शरीफ की एक और हदीस में लफज आए हैं वह इन्नी अनकाई मनाती कि मैंने अपनी बेटी का क्या कर दिया है निकाह कर दिया है तो लगता यह है कि निकाह हो चुका था लेकिन अभी रुखती नहीं हुई थी तो कह रही है वह इन्नी इजब्वज तो मैंने बेटी की शादी कर दी है अफा असलुफी ही क्या मैं उसके बालों में दूसरे बाल मिला दूं क्या मैं उसके बालों में दीगर बाल जोड़ दूं बालों के उसके बालों के साथ मज़ीद बाल लगा दूं जोड़ दूं ये सवाल है तो आपने फरमाया ला वल मौसूला अल्लाह लानत करे या अल्लाह की लानत है दोनों तरह माना ठीक है अल्लाह लानत करे अलवासिला उस औरत पे जो बाल जोड़ने वाली है वलमसूला और उस औरत पे भी जो बाल जुड़वाने वाली है यानी कि अलवासिला वो औरत जो किसी और औरत के बालों के साथ दूसरे बाल जोड़ती है बालों के साथ इजाफ़ी बाल मिलाती है और मौसूला वो औरत जिसके साथ ये काम किया जा रहा है जिसके बालों के साथ मज़ीद बाल मिलाए जा रहे हैं जिसके बालों के साथ मज़ीद बाल जोड़े जा रहे हैं इमाम अबू दाऊ राहिम्ला भी इस अदीस को जिक्र करते हैं अबू दाऊद शरीफ में और उसका नंबर है वहाँ पर चार हज़ार एक सौ सत्तर तो वहाँ पर वो वजाहत करते हैं इस लफज की अलवाला की क्योंकि अल्लाह के सुन फरमाए अल्ला की लात तो वासिल पर वासला से मुराद क्या वो औरत जो बालों के साथ बाल जोड़ती है तो इमाम उदौद कहते हैं वासला कौन होती है ये वो औरत है जो औरतों की बालों के साथ दीगर बालों को जोड़ती है तो आप अली अलीलाम ने इस औरत को इजाजत नहीं दी हालांकि उसकी मजबूरी थी क्या मजबूरी थी कि बेटी का निकाह हो चुका है शादी होने वाली है और सर के बाल क्या हैं झड़ गए तो आपने इस बात की इजाजत नहीं दी तो अब यहां पे एक सवाल पैदा होगा कि अगर कोई ऐसी औरत हो जिसके बाल मुकम्मल तौर पे झड़ चुके हों क्या वो विग पहन सकती है विग से क्या मुराद है तो क्या ये विग पहनी जा सकती है तो इस बारे में अक्सर उलमाए के नाम का ये फतवा है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है अलबत् शेख इब्ने उसैमीन रहम फरमाते हैं कि अगर किसी औरत के बाल मुकम्मल तौर पे जड़ चुके हैं मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं तो वो विग वगैरह पहन सकती है जब उनसे कहा गया कि हदीस में तो लानत आई है तो वो कहते हैं हदीस के ऊपर आप गौर करें हदीस में कहा गया अल्लाह की लानत उस औरत पे जो बालों के साथ बाल जोड़ती है जुड़वाती है तो इसका मतलब है कि कुछ बाल मौजूद हैं कुछ बाल मौजूद हैं उनके साथ और बाल जोड़े जा रहे हैं लेकिन जिसके बाल बिल्कुल मौजूद नहीं है और औरत है उसकी शादी का मसला है उसके निकाह का मसला है तो उसके लिए विग पहनने की इजाजत होनी चाहिए तो ये किसका मौकफ है शेख शेखिब्न शेखबन हसैमिन राहुल्ला का और ये मौकफ़ काफ़ी हद तक दुरुस्त नजर आता है क्योंकि हदीस के भी खिलाफ नहीं है हदीस में मना क्या है बालों के साथ बाल जोड़ना जिसके बाल बिल्कुल नहीं है वो बालों के साथ बाल नहीं जोड़ रही और फिर एक और चीज़ में फ़र्क करना चाहिए शेख ने भी तंबी की है वारन दिया ख़बरदार किया है कि एक ये है कि आप अपने हसन व जमाल में इजाफा करने के लिए इजाफी बाल जोड़ते हैं साथ जोड़ती हैं साथ और एक ये है कि जिसके बाल नहीं हैं वो हसन व जमाल का मसला नहीं बल्कि ऐब के इज़ाले का मसला है इन दो चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए बल्कि जिसम के सारे मसाइल में इन दो चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए अगर कोई औरत को ऐसी सर्जरी करवाती है जिसका मकसद क्या है हसन व जमाल में इजाफा करना तो उसका हुक्म और होगा और अगर सर्जरी का मकसद है जिसम में मौजूद ऐब का इजाला करना तो उसका हुक्म और होगा बच्चे पैदा होते हैं उनके हॉट दुरुस्त नहीं होते तो सर्जरी की जाती ठीक किया जाता है तो क्या यह जायज है जी बिल्कुल जायज है क्योंकि यहां पर हुसनों जमाल में इजाफा मकसूद नहीं है बल्कि जो ऐब है उसका इजाला मकसूद है तो खुलासे कलाम यह है कि ये जो लड़की थी जिसके बाल गिर चुके थे इसके बाल मुकम्मल तौर पर नहीं गिरे थे दलील क्या है कि अल्लाह के रहे हैं अल्लाह की वो बल्कि वो और खुद सवाल भी कह रही है कि आफ़ा असल उफ़ी ही क्या मैं उसके बालों के साथ और बाल मिला सकती हूँ और अल्लाह के रसूल भी कह रहे हैं कि अल्लाह की अलानत है उसके साथ जो बालों के साथ बाल मिलाए जोड़े उसके बाद हाँ तो क्या ये अमल बालों के साथ बाल जोड़ना सगीरा गुनाह है या कबीरा कबीरा गुना है क्योंकि इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है अल्लाह की लानत उसके बाद हदीस नंबर ग्यारह सौ इक्यानवे काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का कालिबर रदी अल्लाहुमा रवायत है जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह नुमाम सेन्ना रसूल सल वसलम क़ल लवा वलमस्तिल वलवा शीमा वलमस्त शीमा कि फरमाया रसूल وسلم ने अल्लाह की लानत हो किस पे अलवासिला उस औरत पे जो बालों के साथ बाल जोड़ती है वलमस्तला और उस औरत पे जो बालों के साथ बाल जोड़ने का मुतालबा करती है जो किसी दूसरी औरत से कहती है कि मेरा ये काम करो मेरे बालों के साथ मजीद बाल जोड़ दो मेरे बालों के साथ मजीद बाल मिला दो वलवाशिमा और अल्लाह की लानत किसके ऊपर है अलवाशिमा उस औरत पे जो अपने जिसम में किसी भी जगह सुरमा बरती है स्याही बरती है तिल बनाती है और आजकल क्या वो चीज़ें आ चुकी हैं जिन्हें क्या कहते हैं तो बहरहाल कोई भी ऐसा काम अपने जिसम पे इस अंदाज से बैल बूटे बनाना फूल बनाना नाम लिखना एक है कलम के साथ नाम लिखना उसकी बात नहीं हो रही एक है जिसम में यानी कि ज़ख्म करके उसमें सुरमा बार देना उसमें स्याही बार देना ताकि तिल बन जाए ख़ूबसूरत नज़र आ जाए या ऐसे ही जिसम में जदीद मशीनों के ज़रिए और जदीद जो तरीक़े आ चुके हैं उनके ज़रिए फूल बनाना जो जो कलम के साथ आप लिखते हैं वो तो स्याही ख़त्म हो जाएगी नहाने से उसकी बात नहीं हो रही जो बाकायदा जिसम में यानी कि नाम लिख दिया जाता है या और कई लोगों ने शैतान की तस्वीर बनाई होती है कई लोगों ने दीगर चीज़ों की तस्वीर बनाई होती है तो ये सारे काम जो हैं ये दुरुस्त नहीं है तो फरमाया अलवा अल्लाह की लानत है उस औरत पे भी जो क्या है सुरमा भरने वाली है या आप कह लें गूदने वाली है वल मुस्तोशिमा और अल्लाह की लानत है उस औरत पे भी जो ये मुतालबा करती है जो मुतालबा करती है कि उसके जिसम में सुरमा भरा जाए जो मुतालबा करती है कि उसके जिसम को गूदा जाए जो मुतालबा करती है कि उसके जिसम में जखम करके से बार के तिल बनाए जाएं तो इन सब पे अल्लाह की लानत है तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होगा कि क्या ये काम औरतों के लिए ममनू है तो मर्दों के लिए जायज है जवाब यह है कि मर्दों के लिए भी ममनू है औरतों के लिए भी ममनू है लेकिन तस्करा ख़ास तौर और पर औरतों का हुआ है क्योंकि आम तौर पर यह काम वो करती हैं उसके बाद बाब नंबर इक्कीस बाब तहरीम खातम जहबी अल रिजाल मर्दों पे सोने की अंगूठी की हुरमत का बयान इस बात का तस्करा कि मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना क्या है हराम है हदीस नंबर ग्यारह सौ बानवे वन वन नाइन टू काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ा है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी हो रही रहता रदी अल्लाह अन नबी वसलम अन नहु हदीस का तर्जमा करने से पहले एक बात जहन में आई आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कई दफ़ा वो लोग जो क़ुरानो हदीस के मुखालफ हैं इस्लाम के मुखालफ़ हैं वो ये बातें करते हैं कि देखो इस्लाम औरतों पे पाबंदियां लगाता है तो गुजारिश ये है कि ये देखें मर्दों पे भी पाबंदियां हैं कई ऐसी पाबंदियां जो मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं है आप सोने की अंगूठी पहनना मर्दों पे हराम औरतों के लिए जायज रेशमी लिबास पहनना औरतों के लिए जायज लेकिन मर्दों के लिए हराम तो जनाब अबू रेरा से रवायत है वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहा कि आपने मना किया है आपने रोका है अन खातम जहा सोने की अंगूठी से गोल्ड की अंगूठी से तो मर्द सोने को बतौरे जेवर इस्तेमाल नहीं कर सकते मर्द और दीगर लोग भी सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल नहीं।, नहीं कर सकते लेकिन सोने का अगर कोई दांत लगवाना पड़े या नाक किसी का कट जाए या काट दिया जाए तो सोने का नाक लगवाना पड़े तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं।, नहीं है इसकी दलील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर है चार हजार दो सौ बत्तीस फोर टू थ्री टू शेख हल्बानी राहुल ने इसे हसन दर्जे की करार दिया है उसमें आता है कि एक एक साहेब थे जिनका नाम था अरफ़ज़ा बिन असाद अरफ़ज़ा बिन असाद इनका नाक कट गया तो उन्होंने चांदी का नाक बनवा लिया तो इससे उनके नाक से बदबू आने लगी तो फिर नबी अलीसल्लाम ने उनसे कहा कि तुम सोने का गोल्ड का नाक बनवा लो चुनाचे उन्होंने गोल्ड का नाक बनवाया और वो पहना नबी नबीत वाम ने सोने की अंगूठी बनवाई थी लेकिन जब सोना हराम कर दिया गया तो आपने उतार दी थी बल्कि एक दफ़ा आपको सोने की अंगूठी बतौर हदिया भेजी गई तो आपने पहनी नहीं है बल्कि नफ़रत का इजहार किया है और अपनी नवासी उमामा को पहना दी है इशारा करना चाहता हूँ इस जानब कि आजकल के नौजवान शादी के मौका पे मंगनी के मौका पे सोने की अंगूठी पहन लेते हैं और उनमें से कई ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि ये गलत है और वो इस गलती से बचना भी चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कोई बात नहीं मंगनी में अंगूठी पाँच मिनट के लिए दस मिनट के लिए पहन लेंगे और इतना यानी कि महंगी होती है सोना मेरे पास हाथ में आ जाएगा बाद में नहीं पहनूंगा ये अफसोस का मकाम है मैंने तस्करा किया था कि शेख ने बाज़ रही महुला ने क्या कहा था जब उनसे पूछा गया था कि अगर मेरे मेरे दो जूते में से एक करीब पड़ा है और एक दूर पड़ा है तो मैं एक पहन लूं और उसे पहन कर दूसरा पाउंड नंगा होगा दूसरे जूते तक चला जाऊं, चार कदम चलकर पांच पाँच कदम चल, कर, चल कर, तो क्या इसमें कोई हरज है तो शेख ने कहा था कोशिश करो कि एक कदम भी नबी अलीसम की अहदीस की खिलाफवर्दी ना करो और हम पांच मिनट के लिए सोने की अंगूठी पहने तो क्यों पहने काश ये नौजवान उस मौका पे अपने ससुराल को ये सबक दें कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे सोने की अंगूठी पहनाना चाहते हैं लेकिन एक तरफ आप हैं एक तरफ सोने की अंगूठी है माल है और एक तरफ अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं उनके अहकाम को उनके फरामीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता इसलिए आप मुझे भी ना पहनाएं और आपके घर का कोई भी मर्द ये काम ना करे यानी कि बेहतरीन मौका है नौजवान के पास इस मौका पर तब्लीग करने का और आपने ससुराल को बताने का कि मेरा और आपका जो मामला चलेगा पूरी ज़िंदगी वो किस किस बुनियाद पे होगा शरीयत की बुनियाद पे होगा मैं और आप पाबंद रहेंगे किसके कुरान और हदीस के तो ये बेहतरीन मौका होता है तबलीग का लेकिन अफसोस ये है कि हमारे नौजवान दीन पे चलने वाले नौजवान जो दीन से दूर है मैं फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहा दीन पे चलने वाले नौजवान ये तावील कर लेते हैं ये सोचते हैं कोई बात नहीं फिर क्या हुआ पांच मिनट का तो मामला है तो यह आज़मैश अल्ला इज़्ज़त की तरफ से तो यहाँ पे यह हदीज़ आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि इमाम अबू अबूदउद्रवैद करते हैं और इसका नंबर है चार हजार दो सौ पैंतीस फोर टू थ्री फाइव इसे भी शेख हलमानी रही ने हसन करार दिया है कि नबी अलीसम के पास नजाशी हबशा के बादशाह नजाशी की जानम से कुछ तहैफ आए उनमें जेवरात भी थे जो उसने आपको बतौर तोहफा भेजे थे और उनमें सोने की अंगूठी भी थी और सोने की अंगूठी पे हबशा का नगीना भी लगा हुआ था बादशाह जब तोहफा भेजेगा तो कीमती होगा लेकिन नबी अली स्तम ने क्या किया है आपने उस अंगूठी को पकड़ा है तो लकड़ी के साथ साहबी कहते हैं एराज करते हुए नफरत करते हुए कि सोने की अंगूठी है आपने उसे पकड़ा है किसके साथ लकड़ी के साथ और या फिर एक किसी उंगली के साथ इनके पूरा हाथ भी नहीं लगाया फिर आपने उमामा को बुलाया जो आपकी क्या लगती है नवासी और कहा हल्लई बिहादा या बुनैया बेटिया ये तुम पहन लो तो इससे एक तो पता चला आपके प्यार का किसके साथ अपनी निवासी के साथ दूसरा पता चला कि आप किस कदर शरीयत के पाबंद थे सोने की अंगूठी आप पहनते रहें कसू ने पहनी है जब जायज थी पहनी है जब मना हुई है तो इस कदर नफरत कि उसे हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है और तवील आप भी कर सकते थे क्या पकड़ता हूं देखता हूं उसके बाद इसको बेच दूंगा लेकिन आपने ऐसा नहीं किया उसके बाद अदीस नंबर ग्यारह सौ तिरानवे वन वन नाइन थ्री मीम इस अदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अन अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत है जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी ताला तुमा से अन रसूल अल्लाम रातम रा बिन फ़ी यद रदुलिन के नबी अली सात ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी हो, तो आपने उसको उतारा फतारा और उसको फेंक दिया वकाल और आपने कहा या आमिद अहद को मिला जमर तन्नार फैज आलू हाफी यदि कि तुम में से कोई आग का अंगारा उठाता है तुम में से कोई आग के अंगारे का कस करता है आग का अंगारा उठाता है फैज आलू हाफी यदि और उसे अपने हाथ में डाल लेता है यानी कि यह सोना नहीं है ये आग का अंगारा है जन्म की आग का अंगारा है तो जन्म की आग के अंगारे से बचना चाहिए या उसको अपने हाथ में और उंगली में डाल लेना चाहिए बचना चाहिए तो आपने कहा तुम में से कोई आग के अंगारे का कस करता है और उसे अपने हाथ में डाल लेता है फकीर अली रजोली तो उस आदमी से कहा गया किससे जिसकी अंगूठी उतार कर आपने फेंक दी थी बाद रसूल वसल्लम उस आदमी से कहा गया अल्लाह के रसूल के तशरीफ ले जाने के बाद आपके वहाँ से चले जाने के बाद खुद खातिमक आपनी अंगूठी लो पकड़ लो इन तफे अभी ही इसके साथ फायदा उठाओ क्या मतलब बेच दो घर ले जाओ ठीक है ना पहनना अल्लाह के पे अमल करना लेकिन उसको पकड़ो घर ले जाओ तो अपनी अंगूठी पकड़ो इन तफे भी उसके साथ फ़ायदा उठा लो काला वजीम साहब भी क्या कहते हैं ला वाह नहीं अल्लाह की कसम लाआ अबदन, मैं किसी भी सूरत में इसको नहीं लूंगा मैं किसी भी सूरत में इसको नहीं पकड़ूँगा वक्त तरह रसूल जबकि अल्लाह के रसूल आल उसम इसको फेंक चुके हैं जिस चीज को आपने फेंक दिया उसको मैं पकडूँ मुझे गवारा नहीं है इसे कहते हैं इतबा कहाँ नबी अलीला तो वसलाम के अजीम साहब के नाम आपकी अदीस पर आपके फरामीन पर अमल करने वाले और कहा हम रास्ते तलाश करने वाले तो क्या मालूम हुआ इन दो अहदीत से कि मर्दों पे सोने की अंगूठी क्या है हराम है अब हम मुंतकिल होते हैं आइंदा बाब की तरफ बाब नंबर बाईस बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाब है नबी अली सात की अंगूठी के बारे में हदीस नंबर ग्यारह सौ चौरावे वन वन नाइन फोर काफ़ इस अदीस के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किसका बुखारी इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अनअसबिन मालकन क़ाल रवायत जनाब अनसबिन मालिक रदी अल्लाह तु से वो कहते हैं नबी का तब नबी सताबन अराद युब के नबी अलीसम ने लेटर लिखा या आपने लिखना चाहा शक हो गया किस को जिनाबीसिन मालिक को कि आपने लेटर लिखा या लिखना चाह फ़कीर लहू तो आपसे कहा गया यानी कि अनसबिन मालिक को यह शक है कि यह बात जो आपसे कही गई है यह खात लिखे जाने के बाद कही गई है या खात लिखे जाने से पहले कही गई है तो अनस मालिक कहते हैं कि नबी अली वसल्लम ने खत लिखा या लिखना चाहा फ़कीर लहू तो आपसे कहा गया किताबन मखतुमा कि वो लोग कोई लेटर नहीं पढ़ते कोई खत नहीं पढ़ते मगर वो मगर जबकि उस पर मुहर लगाई गई हो यहाँ पे एक तो ये वजाहत करना चाहूँगा कि ये लेटर आप किन को लिखना चाह रहे थे किन को लिखा था तो मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में वजाहत आई है कि ये लेटर आप लिखना चाह रहे थे शाह हबशा नजाशी को यह लेटर आप लिखना चाह रहे थे शाह फ़ारसो ईरान किसरा को यह लेटर आप लिखना चाह रहे थे शाह रूम कैसर को तो आपसे कहा गया आप लेटर लिखेंगे तो बादशाह तक आपको लेटर पहुंच नहीं सकेगा क्योंकि बादशाह के पास वहीं लेटर ले जाया जाता है जिसपे मोर लगी हो भेजने वाला मोर लगाए पता चले उसकी कोई हैसीियत है तो आपसे कहा गया इन इमला किताबन कि बेशक वो कोई भी ख़त नहीं पढ़ते इल्ला मखतूमन मगर उस वक़्त जबकि उस पर मोहर लगाई गई हो फ खा तमिन फिजा चुनाचे आपने चांदी की अंगूठी बनाई यानी कि आपने चांदी की अंगूठी बनवाई नक्श हो रसूलुल्लाह उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था उसकी तहरीर क्या थी उसका नक्श क्या था मोहम्मद रसूल हम्मद उसके ऊपर लिखा हुआ था अंदर ही यदि जनाबी मालक कहते हैं गोया के मैं उसकी सफेदी की तरफ देख रहा हूँ किसकी सफेदी की तरफ अंगूठी की सफेदी की तरफ देख रहा हूँ फी यदि हाँ। आपके हाथ में आपके हाथ में उस अंगूठी की सफेदी मुझे अभी भी नजर आ रही है फकुल तुलतादा मैंने कतादा से कहा ये कहाँ ये कौन है जी मैं और ये कतादा कहाँ से आ गए तो कतादा वो रावी हैं जिन्होंने ये वाली हदीस जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सुनी है और ली है किस से अनस बिन मालिक से. से अनस बिन मालिक क्या हुए सहाबी कतादा क्या हैं ताबी कतादा बिन दियामा सदूसी इन्होंने ये हदीस ली अनस बिन मालिक से तो कतादा से हदीस किसने ली है शोभा ने शोभा बिल हजाद अलवास्ती उन्हें कहा जाता है अमीर फिल हदीस के मैदान हदीस में वो क्या है ए, इमाम है तो शोबा कहते हैं मैंने कतादा से कहा मन कला नक्श हो मोहम्मद रसूल ये बात किसने कही है कि उस अंगूठी का नक्श जो था उसकी जो तहरीर थी जो उसके ऊपर लिखा हुआ था वो क्या था मोहम्मद रसूल्ला ये अल्फाज किसने कही हैं इनके शोभा को ये ख़तरा हुआ कि शायद ये अलफात कतादा के अपने हों ये वजाद कतादा ने अपनी तरफ से की हो और हदीस का हिस्सा बन रही है तो पता होना चाहिए कि ये तो अनस के अफाज नहीं है, सहाबी के अलफात नहीं है, बल्कि कतादा के अलफा हैं तो कल अनस कतादा ने कहा नहीं ये अलफा किसने कहे हैं अनस ने कहे हैं मैंने नहीं कहे तो तर्जमा फिर कर दूँ मैंने कहा कतादा से कौन कह रही है मैंने कहा शोभा शोभा बिन हजलवासी कह रहे मैंने कताादा से कहा मन का आला ये बात किसने कही है कि नक्श हो मोहम्मद रसूल्ला उस अंगूठी का जो नक्श था वो मोहम्मद रसूल्ला था काला तो कतादा कहने लगे अनस ये किसने बात कही है अनस ने कही है ये भी साहबी के अलफा है मेरे अलफा यानी कि नहीं है उसके बाद अदीस नंबर ग्यारह सौ पचानवे वन वन नाइन फाइव हाँ इस अदीस को बयान करने वाले इमाम कौन है बुखारी। इमाम बुखारी अन अनअसिन वो रवायत करते हैं इस अदीस को अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तु से अन अबा बकरिन रदी अल्लाह अनह लमस्त खलीफा कतब लू कि ज अबू बकर बकरु जब क्या मुकर हुए खलीफा उस तो खलीफा जब उन्हें खलीफा बनाया गया मुकर किया गया तो कतबलहू उन्होंने इन के लिए लिखा किन के लिए अनस के लिए जनाब अनस बिन मालक के लिए लिखा किसने लिखा है जनाब अबू बकर सदीक ने क्या लिखा उसकी यहां पे वजाहत नहीं है दिगर आदीस में वजाहत आई है कि जनाब बकर ने अनस बिन मालिक के लिए जकआात के मसाइल तहरीर किए किन किन जानवरों से जकवात लेनी है कितनी ज़क़ात लेनी है जानवरों की तादाद क्या हो तो ज़क़ात लेनी है ये सारे मसाइल जनाब अबू बकर ने लिखे किन के लिए अनस बिलमार के लिए कब जब खलीफा बन चुके थे तो कहते हैं अनस वकान नक्षशुल खातम सला अंगूठी का नक्श जो था वो तीन सत्रों पर मुश्तमिल था तीन लाइनों पर मुश्तमिल था महम्मद उन एक सतर में लिखा हुआ था मोहम्मद व रसूल उन और एक सतर में क्या लिखा हुआ था रसूल वल्लाह सतरून और एक सतर में क्या लिखा हुआ था अल्लाह तो क्या बन गया मोहम्मद रसूल अच्छा यहां पर सवाल पैदा होगा कि उसकी तरतीब क्या थी तो के नाम कहते हैं उसकी तरतीब यह थी कि सबसे ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह उसके नीचे दूसरी लाइन में रसूल और उससे नीचे तीसरी लाइन में क्या मोहम्मद यानी कि आप नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे मोहम्मद लेकिन हजर बबिन को इससे कुछ इख्तलाफ है वो एक रवायत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरी राय यह है कि सबसे ऊपर मुहम्मद था दरमियान में रसूल और आखिर में अल्लाह कि ऊपर से नीचे आए रसूल तो बहरहाल ये इस अंगूठी का नक्शा था मोहम्मद रसूल अलबत् अल इसमें इख्तलाफ है कि ऊपर क्या लिखा हुआ था और नीचे क्या लिखा हुआ था दरमियान में क्या था रसूल था तो एक और यह है कि ऊपर क्या था अल्लाह अल्ला। दरमियान में रसूल और आखिर में मोहम्मद ये शायद आवाज़ रुक गई थी तो बरहाल महम्मद और लिखा हुआ था तो अब एक राय यह है कि ऊपर से नीचे था यानि कि ऊपर महमद दरमियान में रसूल और आखिर में नीचे अल्लाह और एक ये है कि ऊपर अल्लाह दरमियान में रसूल और नीचे मोहम्मद तो बरहल इस अंदाज़ से लिखा हुआ था उस अंगूठी पे जो नबी आली इज्सत ने बनवाई और आप इसको सरकारी अंगूठी भी कह सकते हैं इस लिहाज से कि आप बतौर हुक्मरान और बतौर नबी इसके ज़रिए मोहरें लगाया करते थे यहाँ पे मैं एक और अमर की तरफ आपकी तवज्जो ममजूल करवाना चाहूँगा कि अंगूठी पहनना सुन्नत है या नहीं आमतौर पे लोग कहते हैं कि अंगूठी पहनना सुन्नत है लेकिन कई एक कलाम को इस राय से इलाफ है वो कहती हैं आप इसको सुन्नत नहीं कह सकते क्यों कहते हैं हदीस आपके सामने है आपने अंगूठी कब बनवाई जब आपको बताया गया कि आपका लेटर मोहर के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा आपका हत आपका मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि उसके ऊपर मोहर नहीं होगी तो आपने मोहर के तौर पे अंगूठी बनवाई है तो इसलिए कई माइके के नाम की राय है कि आप इसको सुन्नत नहीं कह सकते आपने किसी वजह से ये बनवाई थी उसके बाद है ज्यादा फी रिवा एक रवायत में इजाफा आया है यह आखिरी अदीस अभी हमने पढ़ी है इसकी एक रवायत में क्या आया है इजाफा आया है कि कान ख़ातमनबी की सल्हसी यदि ही इस रिवायत में ये आया है कि जनाब अनसिन मालिक कहते हैं कि नबी अलसलम की ये अंगूठी आपके हाथ में रही जब तक आप ज़िंदा रहे तो ये आपके हाथ में रही वफ़ी यदि अभी बकरिन बदहू और आपके बाद अबू बकर के हाथ में रही रदी अल्लाह तहु वफ़ी यदि उमर आबाद अबी बकरिन और अबू बकर के बाद जनाब उमर के हाथ में रही फलम कानूँ जब जनाबान थे यानी कि जब उनका दौरे खिलाफा शुरू हुआ जब उनकी हुक्मरानी शुरू हुई जब वो खलीफा बने तो जला सा अला बरी अरीसा वो बेर अरीस पे बैठे बेर किस कहते हैं कुएँ को उस, उस कुए के ऊपर बैठे जिसे क्या कहते हैं अरीस अरीस नामी कुएं के ऊपर बैठे और ये कुबा में था काला रावी कहते हैं और कौन है अनस्पिन मालिक, मालिक। फ अखरजल खातम तो जनाब उस्मान ने अंगूठी निकाली फ़ज़ाला आला या बसु तो उसके साथ खेलने लगे अंगूठी के साथ लगे। खेलने, लगे। खेलने लगे क्या मतलब इसका खेलने से मतलब ये है कि अंगूठी को कभी उंगली में दाखिल करते कभी उतार देते और कभी ऐसे हरकत देते रहते तो अंगूठी यानी कि सोचों में पड़े हुए थे कुछ और सोच रहे थे साथ साथ अंगूठी के साथ यानी कि आप खेल रहे थे ये कह सकते हैं आप फजाला या बसु भी ही, तो अंगूठी के साथ खेलने लगे फसका था तो अंगूठी क्या हुई गिर गई उनके हाथ से गिर गई और कहाँ गई कुएं में काला <coughs> रावी कहते हैं वो कौन है हनस बिन मालिक फ़खल ना असलाया मा ऊसमान तो हम जनाब उस्मान के साथ तीन दिन तक जाते रहे तीन दिन तक वहाँ उस कुएं पे जाते रहे कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं और कभी कुएं के अंदर उतर रहे हैं क्लास कर रहे हैं बहुत कुछ हमने किया कहते हैं तीन दिन तक हम जनाब उस्मान के साथ वहां पे जाते रहे फलन जहुल बरा हम कुए से पानी निकालते फलम नजिद हो लेकिन हमने उस अंगूठी को नहीं पाया हमें अंगूठी नहीं मिली तो ये जनाब उस्मान की खिलाफत का सातवां साल था कौन सा साल था सातवा साल था जब ये अंगूठी गुम हुई है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो लोग जिनका कदा कमज़ोर है वो क्या लिखते हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं इधर अंगूठी गुम हुई और इधर जनाब उस्मान का जवाल शुरू हो गया फितनों का आगाज हो गया तरह तरह के फितने सर उठाने लगे हत्या के जिनाब उस्मान का इकदार खत्म हुआ और वो शहीद हो हुए और उनकी खिलाफत अपने को पहुंची तो स्वभाव क्या बना फिर अंगूठी तो ये बातें किन लोगों की हैं जिनके जिनका अकीदा कमज़ोर होता है बल्कि कई लोगों ने लिखा है कि ये वही मामला हुआ जो जनाब सलाम के साथ हुआ था उनकी अंगूठ उनकी भी बादशाह और खिलाफत कर रात जो था वो अंगूठी में था और यही कुछ जनाबान के साथ अंगूठी के मामले में हुआ तो बरल ये गलत अकायद पे मबनी बातें हैं ए, वरना ए, उनके ऊपर जो आज़माइशी आईं उनका इस अंगूठी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है तो बरल इससे पता चला कि इस अंगूठी को सरकारी अंगूठी के तौर पे इस्तेमाल किया गया इसीलिए अल्लाह के रसूल के बाद जो भी हुक्मरान बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद जो भी हुक्मरान बने वो यहीं अंगूठी पहनते रहे यानी कि यहीं मोहरें लगाते रहे उसके बाद हदीस नंबर ग्यारह सौ छियानवे वन वन नाइन सिक्स मीम इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुसलिम अनकिन रवायतनाबी मालिक से अन नसूल सल्हु वसलम लबातमी यमीन के नबी अली सात ने अपने दाएं हाथ में चांदी की अंगूठी पहनी एक तो पता चला अंगूठी कौन सी पहनी चांदी की दूसरे नंबर पर किस हाथ में दाएं हाथ में फी ही फसुन हबशीन उस अंगूठी में हबशा का नगीना था कौन सा नगीना था हबशी नगीना कान कालूफा यली कफा नबी अलीसम उसका नगीना उस जानब कर देते थे जो जानब आपकी हथेली से मुतसिल थी यानी कि मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल इस उंगली में अगर पहनते हैं तो इस उंगली का एक ये ऊपर का हिस्सा हो गया एक नीचे वाला हिस्सा हो गया तो आप उस हम हम जब अंगूठी पहनते हैं उसका नगीना कहाँ होता है ऊपर होता है लेकिन नबी सलाम उसका नगीना किधर कर देते थे नीचे कर देते थे क्योंकि आप ए, हमारी तरह यानी कि रियाकारी के कायल नहीं थे लोगों को नहीं दिखाना चाहते थे ये चीज़ें आप में तो थी सादगी थी तो कान यज आलू फसहू नबी अलीस्त उसका नगीना उस जानब कर देते थे जो आपकी हथेली से मुतसिल थी उसके बाद हदीस नंबर ग्यारह सो सतानवे वन वन नाइन सेवन मीम इस हदीस को भी रिवायत करने वाले कौन है इमामे मुस्लिम हन अन और इसके भी रावी वही बिन मालिक हैं रज़ील्ल्लहु तला वो कहते हैं कान ख़ातमनबी सल्हु वसलम फी हादी के नबी अलीसम की अंगूठी इस उंगली में थी वशार सर मिन यदिलयसरा यह बात कहकर जनाब अनसमालक ने इशारा किया अपने बाएँ हाथ की छोटी उंगली की तरफ छिंगली की तरफ यानी कि अल्लाह के रसूल में अच्छा ऊपर के दीस क्या कह रहे हैं इसमें मालक हाथ में और इसमें क्या कह रहे हैं बाएं हाथ में ऊपर का हाथ था दाएं हाथ में और यहां पे क्या कह रहे हैं बाएं हाथ में तो अब क्या दुरुस्त है आम तौर पे रिवायात में तस्करा आया है दाएं हाथ का बाएं हाथ का तस्करा कम ही आया है इसलिए बेहतर यही है कि अंगूठी के साथ में पहनी जाए दाएं हाथ में लेकिन अगर कोई बाएं हाथ में पहन लेता है तो इनशाला उसमें भी कोई हर्ज नहीं है इस हदीस की बुनियाद पे जो अभी हमने पढ़ी है और इसे भी पता चला कि नबी अली इस्लाम ने आम तौर पे अंगूठी पहनी है के साथ में दाएं में और ए, ए, इन रवायात से पता चलता है कि कभी कभी आपने बाएँ हाथ में भी पहनी है उसके बाद अदीस नंबर ग्यारह सौ अठानवे वन वन नाइन एट्स मीम इस अदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन इमाम मुस्लिम अन अली काल रवायत है हमारे चौथे खलीफा जनाब अली बिन अबू तालिब रज़ी तलान से वो कहते हैं नहानी रसूल सल वसम मुझे मना किया नबी अली सात उसम ने अनफ़ी ओहा मना किया इस बात से कि मैं अंगूठी पहनूं अपनी इस उंगली में या इस उंगली। या इस उंगली में कौन सी जी कार कहते आ के जनाब अली ने यह अलफ़ाज कहते हुए इशारा किया इल इस्ता किस उंगली की तरफ़ दरमियानी दर्म्या, दर्म्या, उंगली की तरफ ये कौन सी होगी ये वाली द, वल्लती तलीहा और दरमिया उंगली की तरफ चारा किया और उस उंगली की तरफ जो उससे मुतसिल है वो क्या हुई शहादत की उंगली कौन सी उंगली हुई शहादत की उंगली ये देखें ये दो उंगलियां जो हैं इन में जनाब अली कह रहे हैं नबी सब ने अंगूठिया पहनने से मना किया है तो फिर कहाँ पहननी चाहिए फिर ये दो उंगलियाँ रह गई ये आखिरी दो उंगलियाँ रह गई इनमें पहन लेनी चाहिए तो जनाब अली कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल ने मना किया कि मैं अंगूठी पहनूँ अपनी इस उंगली में या उसमें रावी कहते हैं फ़ाऊमा फ़ाउमा अमीरम्रीन अली ने इशारा किया दरमिया उंगली की तरफ वल्लती तलीहा और उस उंगली की तरफ जो उससे मुतसर है कि अंगूठे शहादत तो ये थी अहादीस जिनका तल्ल है अंगूठी वगैरह पहनने से उसके बाद बब नंबर तेईस क्या बाब है ये बाब अन्ला तकलीदरकिन लिबास वही अतिम मशरक की तकलीद करने की ममानत आप मशरक की तकलीद नहीं कर सकते उनकी नकल नहीं कर सकते किस मामले में उनके लिबास के मामले में और उनकी हैद के मामले में उनकी कैफ़ियत के मामले में उनकी तरह अपनी शक्लोस बना लेना बाल वगैरह बना लेना या उनकी तरह का लिबास पहनना इससे शरीयत हमें रोकती है और आज अक्सर मुसलमान ममालक में नौजवानों का ज़ोर इसी बात पे है कि हम काफ़लों की तरह के बन जाएं लिबास भी हमारा उनकी तरह हो और हमारे यानी कि उठना बैठना बोलना बोलने का अंदाज़ वो भी उनकी तरह हो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों के ज़िन किस कदर ख़राब कर दिए गए हैं आज अगर कहीं पर दिन तकरीर करे और दुरान तकरीर वो ऊँची ऊँची बोल रहा हो जोश में हो तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ये हमारा जो लिबरल तबका है यह हमारी यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे नौजवान हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो ऐसे का मजाक उड़ाते हैं देखो इसको क्या हुआ भाई क्यों चीख चिल्ला रहा है क्यों क्योंकि उनको ये जेन दे दिया गया है कि गुफ्तगु करते हुए आराम से आप बात करें ढीले अंदाज में ठहर ठहर के आस्थावाद में जबकि आलम दीन तकरीर में जो अंदाज इख्तियार करता है यह नबी अली से हमसे साबित है अब अगर हमारा यानी कि नबी अलीस्त की तज़ीम हमारे दिलों में हो तो हम कहें कि ये ठीक है और वो गलत है ये ठीक है और वो क्या है वो गलत है लेकिन हमने क्या किया हमने नबी अलीस्म के तरीके पर शक् व शुबा करना शुरू कर दिया और उनके तरीके को ले लिया जबकि नबी अलीस्म की तलीमत भी यही हैं कुरान की तलीमात भी यही हैं कि आसावास से बात करनी चाहिए ऊंची आवाज से बात करना इसको अच्छा नहीं समझा गया लेकिन जब आप तकरीर कर रहे हैं खुतबा दे रहे हैं उसका एक मकसद है लोगों को जहन्नम की आग से डराना है लोगों को आपने गुनाहों से तोबा करवानी है तो इसके लिए जोश की जरूरत है और फिर वहां पे भी उन लोगों में भी जिनकी आज तकलीद की जा रही है नकल की जा रही है जिनकी पैरवी की जा रही है जिनके पीछे हम लगे हुए हैं वहाँ पर भी ऐसे खतीब मौजूद हैं जो जोश के साथ गुफ्तु करते हैं तो ये किसी बहन ने अभी भी सवाल किया है कि क्या औरतों के लिए भी इन दो उंगलियों में अंगूठी पहनना ममनू है तो मैं फ़िलहाल इस मौजू पर तफसील के साथ गुफ्तु नहीं करूँगा लेकिन बहुत पहले जब मैंने इस मसले की स्टडी की थी तो के नाम का की राय यही थी कि ये महानत मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है क्योंकि औरतों का काम ही यही है कि जेब वजनत इख्तियार करना तो उनके लिए ये पाबंदी नहीं है तो बहर इस मौ पर फिर इन श्रा मज़ीद गुफ्तु करने की कोशिश करूँगा तो अब हमारा बाब क्या है कि मुश्रकिन की पैरवी करना या उनकी नकल करना इसकी महानतः किस किस मामले में उनकी निकल करने की महानत लिबास के मामले में और शक्लो सूरत के मामले में तो इस बारे में यहाँ पर कोई भी हदीस अलवाफी के मुअल्लिफ ने रटर ने ज़िक्र नहीं की चंद अहादीस के नंबर दे दिए हैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि इनका ए, इनका मकसद ये है कि तकरार से बचा जाए एक हदीस इस किताब में एक ही बार आए तो यहाँ पे इन्होंने उन अदीस की तरफ इशारे कर दिए हैं जिनका ताल्लुक है हमारे मौजू से तो आइए जल्दी के साथ वो अदीस देखते हैं पहली हदीस जो है ग्यारह सौ चौहत्तर वन वन सेवन फोर और ये सफा नंबर है चार सौ बासठ ये देखें तो यहाँ पे क्या आया है कि नबी अलीलातम तो ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस पे दो चादरें देखी जो उस बूटी के साथ रंगी हुई थी यानी कि जद रंग की थी तो आपने कहा कि इन नहाद ही मिथिया बिलकुफार ये तो काफरों के कपड़े हैं फला तल बस हा ये कपड़े ना पहनो ये काफरों के कपड़े हैं ये तुम तो ना पहनो तो इससे क्या पता चला कि काफिलों की तकलीद करनी चाहिए उनके नशे कदम पे चलना चाहिए या ये लिबास इसलिए छोड़ दें क्योंकि काफर पहनते हैं आप कहने यानी कि आप इस लिबास से क्यों रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि काफर पहनते हैं इसको तो जो लिबास उनके साथ खास हो उसे बचें हाँ वो लिबास जो वो भी पहनते हैं हम भी पहनते हैं वो इनशाला ममनू नहीं है लेकिन जो लिबास पहनते ही लोगों के जहन में आए ये लिबास तो काफर पहनते हैं सबको पता है कि उनकी इज खास है वो आपको पहनने की इजाजत नहीं है मिसाल के तौर पे वो लिबास जो ईसाइयों के पादरी पहनते हैं हिंदुओं के साधु पहनते हैं या आपने देखा होगा कि सिखों के जो इबादत गाहें हैं वहां पे जाएं तो वो खास तरीके से सर के ऊपर रुमाल लेते हैं तो ये चीजें जो है मुसलमानों के लिए जायज नहीं है ए, उसके बाद कहते हैं आप देख लें हदीश नंबर ग्यारह सौ बयासी आइए देखते हैं वन वन एट टू यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह है कि अब्दुल्ला अबिन अब्बास कहते हैं कि नबी अलीसम पहले अपने बालों को पिशानी की जान लटका लिया करते थे और उस ज़माने में जो मुशरकिन थे वो मांग निकाला करते थे लेकिन आप लड़काते थे क्यों किताब की मुआफकत करते हुए यहूदियों सही की मुआफत करते हुए आप पहले क्या करते थे लड़काते थे फिर आपने क्या किया उनकी मुखालफत की किन की यहूदियोंसाइयों की और आपने सर के बालों में क्या निकाली मांग निकाली तो देखिए इरादा क्या यहूदियों सही की मुखालफत का उसके बाद दीश नंबर ग्यारह सौ तिरासी वन वन एट थ्री यहां पर कह रहे हैं नबी अलीस्म कि यहूदी और ईसाई अपने सर और दाढ़ी के सफेद बालों को रंगीन नहीं करते तुम करो उनकी मुखालफत करो उसके बाद हदीस नंबर ग्यारह सौ छियासी उसमें क्या है उसमें कह रहे हैं नबी अली सात कि मशरकिन की महालफत करो दाढ़ी के बालों को बढ़ाओ और मूछे जो हैं उनको साफ करो और दूसरी रवायात से पता चला कि मूँछे काट लेनी चाहिए तो बार कहने का मतलब यह है कि दाढ़ी के मामले में शरीय क्या कह रही है दाढ़ी रखो और मशर्क की मखालफत करो और आज हमारे मुसलमान भाई दाढ़ी क्यों बढ़वाते हैं ये कल्चर कहाँ से आया है हम पाको हिंद से हैं क्या पाको हिंद में अंग्रेजों के आने से पहले दाढ़ी मोड़ने का रिवाज था आप अंग्रेजों से पहले जो हमारे बादशाह वगैरह गुजरे हैं हालांकि वो आमतौर पर दुनियावी लोग थे लेकिन उनकी तस्वीरें देखें दाढ़ी के साथ हैं तो ये यानी इनके अहदीस हैं जिनकी तरफ इशारा किया है इस किताब के मोलफ़ और लैटर ने तो इन अदीस से पैगाम क्या मिला कि लिबास के मामले में और शक्ल सूरत के मामले में क्या किया जाए मश्रकिन की कुफ़ार की मुखालफ़त की जाए और उनकी पैरवी से इजतनाब किया जाए उसके बाद बाब नंबर चौबीस ये बाब क्या है बाब इन जमील जमाल अल्लाह इज़्ज़त खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं इस मामले में हदीस क्या है जी हदीस इस मामले में है पंद्रह सौ सोलह देखिए पंद्रह सौ सोलह हदीस क्या है कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कोई भी ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके दिल में जरा बर तकबर है तो एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल कि कोई आदमी ये चाहता है कि उसके कपड़े प्यारे हों खूबसूरत हो उसका जूता प्यारा हो खूबसूरत हो तो यानी कि क्या यह भी तकबर है मतलब क्या था इसका कि क्या ये तकबर है यानी कि ये ये चाहना ये कोशिश करना कि आपके कपड़े प्यारे हों होंदा हों अच्छे हों और जूता भी उमदा हो अच्छा हो तो क्या ये तकबर है तो आपने फ़रमाया इनला जमील उन अल्लाह ताला खूबसूरत हैं जमाल वाले हैं जो हिब्बल जमाल और अल्लाह ताला जमाल को पसंद करते हैं यानी कि आप अच्छे कपड़े पहने अल्लाह को पसंद है आप अच्छे जूते अच्छा जूता पहने अल्लाह को पसंद है लेकिन तकबर क्या है फरमाया बातरुल हक़ तकबर ये है कि हक बात को मानने से इनकार कर देना वम तो नास और लोगों को हकीर जानना आप अच्छे कपड़े पहने लेकिन किसी को हल्के कपड़े पहनने की वजह से हकीर ना जाने आपके मुसलमान भाई मस्जिद में आपके साथ नमाज पढ़ते हैं और कई मकाम पर आपको मिलते हैं आप उनके लिए उनके साथ मुसाफा करने के लिए तैयार ना हों उनसे गुफ्तगु करने के लिए तैयार ना हो यानी कि अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको हकीर जानते हैं यह है तकबर और दूसरे नंबर पर यह कि हक बात मानने से इनकार कर देना जिसकी एक मिसाल अल्लाह के रसूल ने क्या दी थी कि चादर वगैरह टखनों से नीचे लटकाना यह क्या है आपने कहा था यह तकबर है हक बात क्या है कि चादर को ऊपर रखें आप इसको मानने से इनकार हैं और आप यह हदीस बचपन से सुन रहे हैं हर बार सुन के एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं इसका मतलब यह है कि इस बात को इस हक को कबूल करने के लिए आप तैयार तो नहीं हैं यह है तकबर तो बहरहाल इस अदीज से क्या मसला साबित हो गया कि अल्लाह ताला जमील हैं साहब जमाल हैं और अल्लाह ताला जमाल को पसंद करते हैं उसके बाद अल्किताब सालिस उसके बाद तीसरी किताब का आगाज करेंगे और ये मकसद हमारा कौन सा चल रहा है पाँचवाहाजात ज़रूरी या वो आदीश जिनका ताल्लुक़ इंसान की ज़रूरी हाजात से है उसमें तीसरी किताब शुरू करेंगे किताबी ये किताब किसके बारे में है तिब के बारे में और ख़्वाब के बारे में यानी कि इसमें तस्करा होगा तिब के मसाइल का यानी कि जिसको आप कहते हैं हिकमत कह रहे हैं आप सेहत के मसाइल जो होते हैं और उनका इलाज वगैरह तो इन चीज़ों का तस्करा यहाँ पे आपको मिलेगा और इसमें कई फसलें हैं पहली फ़सल क्या अलमरदा पहली फसल किसके बारे में है मरीजों के बारे में पहली फसल मरीजों के बारे में है और इसमें पहला बाब क्या है अस हत्या मतुमिन पहला बाब यह है कि सेहत जो है ये अल्लाह रब्ल की तरफ से एक नेमत है और इसमें कोई शक् व शुबा नहीं है कि सेहत जो है वो अल्लाह रबुल्ज़त की तरफ से एक नेमत है यहाँ पे भी किताब के मल्लफ़ कोई हदीस लेकर नहीं आए जो ए, ये बताए कि वाकई सेहत अल्लाह रबुल्जत की तरफ से बहुत बड़ी नियमत है लेकिन उन्होंने एक हदीस का नंबर दे दिया है कहते हैं कि हदीस नंबर चौदह सौ छप्पन आप देख लें वन फोर फाइव सिक्स तो वो हदीस क्या है उस हदीस को अब्दुल्ल बिन अब्बास रिवायत करते हैं नबी अलीलाम से क्या आपने फ़रमाया नी मकबूल हिमा कथी नाश ये बुखारी शिफ़ की हदीस है कि दो नमते हैं जिनके मामले में आम तौर पर लोग खसारे में हैं घाटे में हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाते उनकी कदर नहीं करते नंबर एक अस्या वफराग नंबर एक सेहत नंबर दो फारग वक्त का मिल जाना यानी इनके लोग सेहत की कदर नहीं करते सेहत पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और सेहत के अयाम को अल्लाह की इबादत में सर्फ नहीं करते आप तंदरुस्त हैं माशाल्लाह आपको बड़ी बीमारी आपको नहीं लगी आप कैंसर के मरीज नहीं है आप शुगर के मरीज नहीं हैं आप गुर्दों के मरीज नहीं हैं आप अल्लाह का शुक्र अदा करें इन एयाम को गनीम जाने दीन का इलम लेने के लिए इन अयाम को गनीमत जाने, अहदीस का इलम लेने के लिए कुरान की तफसीर सीखने के लिए कुरान हिफज करने के लिए असकार और दुआएँ याद करने के लिए और दरूस सुनने के लिए कभी उस मस्जिद में चले जाना कभी उस मस्जिद में दर्श हो रहा है वहाँ पर चले जाना ज़्यादा नवाफल पढ़ना तलावत करना क्योंकि आपका जिसम सही है आपको कोई परेशानी नहीं है टेंशन नहीं है, आप तो के लिए उठ सकते हैं और ऐसे ही फराग कि फ़ारग वक्त है आपके पास तो फारग वक्त को सर्व करें इस्तेमाल करें अल्लाह की इबादत में अल्लाह के कलाम की तलावत में अल्लाह के कलाम को समने में नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का मताल करने में और आपकी अहदीस का मताल करने में और शरीयत के अहकाम सीखने और सिखाने में तो ये था पहला बाब कि सेहत जो है वह अल्लाह की तरफ से फिर क्या है बहुत बड़ी नियमत है इस हदी से सबित हुआ ना आप न दो नमते हैं तो ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है उसके बाद है बाब नंबर दो ये क्या बाब है बाप शवाबलमिन फीमा यूसी बहू मोमन के लिए सवाब उन मसायब में जिनका वो सामना करता है मोमन के लिए सवाब उन अमूर में जो मुसीबत बनकर उस पर तारी होती हैं तो पे जो मुसीबतें आती हैं उन मुसीबतों के सिलसिले में उसे क्या सवाब मिलता है इस बारे में ये बाब है हदीस नंबर ग्यारह सौ निन्यानवे वन वन नाइन नाइन इस हदीस के बयान करने पे इतफाक है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी सईद नील खुदरी वन अबी हुरैरा रवायत है जनाब अबू सईद खुदरी से और रवायत है जनाब अबू हुरैरा से दो सहाबियों से यह हदीस मरवी है वो रवायत करते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या आपने फरमाया मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसब वला वसब वला हम मिन वला हजन वला अदा वला गम हत्त शौकत युशाकुहा इल्ला कफर अल्लाह बिहा मिन खताया मिन खताया के जो भी मुसलमान पे थकावट हो तारी होती है मुसलमान को कोई थकावट नहीं पहुंचती और ना ही कोई बीमारी उसे लगती है ना ही कोई टेंशन उस पर आती है ना ही कोई गम उस पर आता है ना ही किसी तकलीफ़ का उसे सामना करना पड़ता है और ना ही किसी गम में वो मुबला होता है हत तश्शवकतीशा कह हती के वो कांटा जो उसे चुभता है मगर क्या होता है मगर ये कि अल्लाह ताला इनके साथ उसके गुनाहों को मिटा डालते हैं यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुसलमान पे कोई थकावट मुसलमान थके या किसी मर्ज़ में मुबला हो या किसी टेंशन में मुबला हो या गम में मुबला हो या तकलीफ में मुबतला हो और फिर उसके गुनाह ना जड़ें उसके गुनाह ना मिटें ऐसा मुमकन नहीं है फिर सोने तर्जमा आफरमारे मिन नसबिन मुसलमान पे कोई थकावट नहीं आती वला वसब और ना मुसलमान पे कोई बीमारी आती है वला हम और ना मुसलमान को किसी टेंशन का कर सामना करना पड़ता है वला हजन और ना किसी गम का उसे सामना करना पड़ता है वला अदा और ना किसी दुख का उसे सामना करना पड़ता है वला गम और ना ही किसी रंज का उसे सामना करना पड़ता है हत्या शवकती शाह कोहा के कोई कांटा हो जो उसे चुभता हो मगर अल्लाह ताला इस सब के साथ उसके गुनाहों को मिटा डालते हैं तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परेशानियां मुसलमान के लिए बायस अजुर् सवाब हैं और इस हदीस से मुझे और आपको सब का असर करना चाहिए छोटी मोटी परेशानियाँ हमेशा हम पे रहती हैं और हम कहते भी हैं कि सुकून नहीं है सुकून कभी इस बेटी की परेशानी कभी उस बेटे की परेशानी कभी तनख्वाह की टेंशन कभी मकान की टेंशन कभी बीमारी का मसला कभी ये आजमज कभी वो आजमश कभी ये पाबंदी कभी वो पाबंदी लेकिन ये सारी सारे मसैब काफ़रों के लिए हैं मुसलमानों के लिए ये चीज़ें बायस रहमत हैं इसलिए इन पर क्या करना चाहिए सब्र करना चाहिए अगर आप इन मसायब के आने पर शिकवा करेंगे अल्लाह रब्ज़त का दिल में एतराज रखेंगे अल्लाह रब्ज़्ज़्ज़त पर तो आप अपना नुकसान करेंगे अल्लाह रबुल्ज़्ज़्ज़्ज़्त का कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए जब भी ये मसायब आएँ तो अल्लाह रब्ज़्ज़्ज़्ज़्त की तरफ रजू करें दुआएँ करें सब्र करें अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अल्लाह से उसने जन रखें और इन ये सारे मसाइब आपके लिए खैर का बायस बन जाएंगे उसके बाद हदीस नंबर बारह सौ काफ इस हदीस के बयान करने पे क्या है इतफाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम कालत रवैत है किससे उमन आयशा रदी से वह कहती हैं माराई तो म रसूल अल्लाह वसम कहती हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा जिस जिसपे अल्लाह के रसूल अलीलातम से बढ़ कर बीमारी आई हो जिसे अल्लाह के रसूल से बढ़कर तकलीफ का सामना करना करना पड़ा हो कि नबी नबीत वाम पर जब बीमारी आई जिसमें आप फौत हुए जब आपको तकलीफ हो रही थी तो उससे बढ़कर मैंने किसी को तकलीफ़ में मुबला होते नहीं देखा किसी को बीमारी में नहीं देखा अलव का मना यहाँ पे क्या है बीमारी कि इतना शदीद मरस किसी और पे आया हो इतने शदीद मरस में को और मुबतला हुआ हो मैंने नहीं देखा तो जब नबी अलीला तोलाम जो नबियों के इमाम आप पे बीमारी आई है और शदीद तरीन आई है तो मेरे ऊपर और आपके ऊपर क्यों ना आए जिन जिन्होंने गुनाहों के पहाड़ जमा कर रखे हैं तो नबी अली अलीसम पे आजमाइश आई है तो किस लिए? दरजात दर्जात की बुलंदी के लिए ताकि आपकी शान और बढ़ जाए आपका मुकाम और बढ़ जाए तो हमें भी जब हम पे आजमाइश आए अल्लाह के साथ उसने जन रखना चाहिए अल्लाह से दुआ भी करें कि आला आजमश अटाले मैं कमजोर हूं या अल्लाह मुझे आजमाश हटा ले जब तक मौजूद है मुझे सबर्क दे और साथ साथ ये हुस्ने जन रखें कि अल्लाह ने मेरे साथ खैर का इरादा किया है इसमें मेरी कोई बुलाई है इसमें मेरा कोई फायदा है उसके बाद हदीस नंबर बारह सौ एक वन टू जीरो वन खा इस हदीस को रैत करने वाले कौन से इमाम इमामे बुखारी अन अभी हो रही रतकाल ख़द रसूल सल्ह वसलम रवायत है जनाब अबरा रदी अल्लाह रदी अल्लाह ताला से कहते हैं कि फ़रमाया रसूल सल्ह वसलम ने मैं बिखीरा युसब मिन हो अल्लाह ताल जिसके साथ ख़ैर का इरादा करें युसब मिन हो उसे मसायब में मुबला करते हैं जिसके साथ अल्लाह ख़ैर का इरादा करें उसे मसायब में मुबला करते हैं परेशानियों में मुबला करते हैं उस पर आज़माइशियाँ आती हैं क्योंकि ऐसी आएंगी वो सब्र करेगा आप क्या होंगे दर्जात बढ़ेंगे गुनाह जड़ेंगे मरतबा बुलंद होगा जन्नत के करीब होगा और कब्र के अजाब से दूर होता चला जाएगा जहन्नम के अजाब से दूर होता चला जाएगा तो मैं यूरिदी जिसके साथ अल्लाह तला, तला खैर का इरादा कर लें तो यु सिबिन हो उसे अल्लाह तला मुख्तलिफ़ मसायब में मुबला करते हैं अल्लाह रबुल्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से मफूद रखे मसायब से मफूद रखे और जब कोई आजमाइश आए तो अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक दे और इससे ये भी पता चला कि जब किसी और पे आजमाश आए तो उसको ऊपर हंसना नहीं चाहिए ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ने इसको पकड़ लिया है हम बड़ी जल्दी दूसरों के बारे में क्या कहते हैं पकड़ा गया जी पकड़ा गया जी पकड़ लिया जी अल्लाह ने अल्लाह की पकड़ आ गई अल्लाह का लाभ आ गया इसके ऊपर जबकि मुमकिन है कि अल्लाह तोबा की तोफीक दे रहे हों उसको अपने क़रीब कर रहे हों उसकी चान बुलंद कर रहे हों और आप के हंसने और मुस्कुराने से और मजाक उड़ाने से उसका दर्जा और बुलंद होगा अगर वो सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नेक बंदों में से बना ले अल्लाह तै हमें अपने साबर व शाकर बंदों में से बना ले अल्लाह करे कि हम इन अहदीस का इलम लेने में इस का मुजाहरा करें और आखिरी दिन तक जो हमारी मौत से पहले आ, पहले जो आखिरी दिन है अल्लाह ताला उस दिन तक हमें ए, शरीयत के इलम के साथ जुड़े रहने की तौफीक दे और आप तमाम साथियों के लिए मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आप सब की जिंदगियों में बरकतें डाले औलाद में बरकतें डाले रिजक में बरकतें डाले अल्लाह इज्जत दे अल्लाह ज़िल्लत से महफूज रखे और अपना मुकर्रब बंदा बना ले अपना महबूब बंदा बना ले व रब्बिल आलमीन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेलाइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फावक्ता आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज